हेलो राधे राधे, आप सबका मेरे चैनल कीर्ति हरीश की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये सुबह का ही टाइम है और यहाँ पर मैंने रख दिया था गौरी को भूसा 8:30-9 बजे हो गए और गौरी आ गई थी वापस से, तो मैंने कहा अभी खिला देती हूँ और जब दोपहर में आएगी तो फिर से खिला दूँगी। और यहाँ पर मैं भूसा रख के और बस अब जाऊँगी अंदर, क्योंकि अंदर भी मुझे सुबह बहुत काम रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा खड़ा हो गई थी। मैंने कहा देख लेती हूँ ये और गाय ना आ जाए, तो इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अंदर चलते हैं जब तक गौरी खाएगी भूसा। इसके बाद थोड़ी देर बाद देख लेके कि गौरी भूसा खा रही है या फिर कोई और गाय ना आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम अंदर चलते हैं और अंदर का काम देखते हैं, इसके बाद देखेंगे हम गौरी को। अभी गौरी तो आराम से खा रही, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अंदर गई 10 मिनट के बाद गौरी भी अंदर पहुंच गई, क्योंकि गौरी ने भूसा खा लिया था और यहाँ पर टब में थोड़ा सा ही भूसा बचा हुआ है। और बस गौरी अंदर पहुंच गई, मैंने कहा चलो इसको निकालते हैं बाहर, किसी ने गेट खोल के छोड़ दिए थे इस वजह से। तो जैसे ही मैंने बाहर निकाली तो फिर से खाने लगी, तो मैंने कहा चलो इसको खा लेने देती हूँ, फिर रखेंगे सोम को भूसा, क्योंकि अभी सोम को भी नहीं रखा। ये देखिए अभी दिखाती हूँ, सामने बंधा हुआ है सोम, बिल्कुल इस साइड गौरी खड़ी है और यहाँ पर देखिए सोम आराम से बंधा हुआ है। उसको भी लग रहा है कि मुझे कुछ खाने को नहीं दिया इन्होंने, और अभी आवाज़ भी लगा रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले गौरी खा ले, इसके बाद मैं सोम को दूंगी। सोम भी इंतज़ार कर रहा है भूसा की। तो यहाँ पे चलते हैं अब जब दोपहर में आएगी गौरी तब रखूँगी, अभी नहीं रखूँगी। अभी जितना इसने खा लिया उतना काफ़ी, और यहाँ वहाँ घुमाए, इसके बाद हम देखते हैं। अभी तो खा रही है, देखते हैं कब तक खाती है, और जब चली जाएगी तो फिर हम सोम को रख देंगे, क्योंकि अभी सोम भी भूखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, को खा लेने देती है, थोड़ी देर बाद आते हैं हम। और जैसे ही फ्रेंड्स मैं आई तो यहाँ पर मैंने देखा कि गौरी यहाँ पर नहीं खड़ी, सामने कुछ खा रही है, आप खुद देख सकते हैं। मैं यहीं पर छोड़कर गई थी, लेकिन यहाँ से चली गई और सामने किसी ने कुछ डाल दिया या फिर हरी दूबा वगैरह है, तो वो खा रही है। जैसे ही मैंने यहाँ देखा कि गौरी तो चली गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब गौरी चली गई है तो अब मैं रखूँगी सोम को, और जब गौरी दोपहर में आएगी ना तो फिर से रख दूँगी, क्योंकि आज गौरी ने कम ही खाया है भूसा, थोड़ा सा ही भूसा था। अभी मैं ऊपर से ले आऊँगी ना तो दोपहर में रखूँगी, अब नहीं रख रही क्योंकि अब इसको खाना भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अंदर। और फ्रेंड्स, ये 1:30-2 बजे का वीडियो है, जब गौरी फिर से वापस आ गई थी तो मैंने इसको एक टब में रख दिया था भूसा, पहले सोम को रखा, सोम ने खाया और इसके बाद जितना भी बचा हुआ आप देख सकते हैं गौरी को रख दिया। गौरी ने बस थोड़ा सा ही खाया है, उसको अब नहीं खाना है। और जैसे ही मैंने गेट खोले तो वैसे ही गौरी अंदर आने लगी, क्योंकि उसको अंदर आना है। दोपहर में सुबह खा गई थी और यहाँ वहाँ घूम के भी खा लेती है, इसीलिए इसने अभी तो नहीं खाया है। तो यहाँ पर आप सोम को देख सकते हैं, सोम को पीना है अपनी माँ का दूध। सोम ने अच्छे से भूसा भी खा लिया है वैसे, क्योंकि मैंने ऊपर से लाके सोम को रख दिया था। तो चलिए फटाफट से हम सोम को खोल देते हैं और करते हैं मिल्किंग। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच फुल एंजॉय कीजिए। और टप उठाकर रख देती हूँ अंदर, क्योंकि अभी मैंने टप नहीं रखा ना तो और गाय वगैरह आ जाएंगी और सारा भूसा खा जाएंगी, क्योंकि बाहर की गाय इतनी भूखी होती हैं, गौरी तो ये भूसा खाती नहीं है अगर कुछ मत डालो, लेकिन बाहर टप रखा रहता है ना तो कोई भी गाय आता है फटाफट से 10 मिनट में एक टब भरा हुआ भूसा पूरा खा लेती है। अगर कभी कभार मैं भूल जाऊँ ना कि गौरी खा रही है, गौरी तो तुरंत चली जाती है और पूरा भूसा दूसरे सांड या गाय पूरा चट कर जाती है। इतनी जल्दी खाते हैं पूछो मत, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, उनको बस छोड़ देते हैं, भूसा नहीं खिलाते। मैं तो गौरी को 3 टाइम भूसा रखती हूँ, सुबह दोपहर शाम। दोपहर नहीं रखती हूँ तो गौरी को मिल्किंग करने के बाद रखती हूँ, लेकिन रखती हूँ ज़रूर। तो गौरी इतनी भूखी नहीं रहती, लेकिन जो और जानवर रहती है वो बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, तो बहुत जल्दी भूसा खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सोम ने दूध पी लिया है, तो अब मैं सोम को फटाक से बांध देती हूँ और फिर करते हैं हम गौरी की मिल्किंग। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए और फुल एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, प्लीज़ आप लोग बताइए वीडियो आपको कैसे लगती है, तो मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या बेकार। तो चलिए, और शेयर भी कर दीजिए।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सोम को बांध दिया है अच्छे से टाइट की, जिससे बार बार मुझे परेशान करता है। सोम आपने भी देखा होगा कि पास में आ जाता है और ऐसा लगता है बाल्टी में ये लात नहीं मारती। कभी कभार लात मारने की पूरी कोशिश रहती है लेकिन मैं बाल्टी उठा लेती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने बहुत टाइट बांध दिया है और मुझे मैसेज भी आया था कि आप सोम को टाइट बांधा करो, तो मैंने इसलिए टाइट बांध दिया है। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं लगा लेती हूँ। बात इतना ही।